मुझे जगन्नाथ त्रिपाठी ने भेजा। अच्छा, तेरी खातिर आना पड़ा कमबख्त, तुझे बचाने की खातिर। लेकिन आपको कैसे पता चला मैं आ रहा हूं? पुलिस महकमे में हूं, हर बात की खबर रखता हूं। यह भी तो हो सकता है कि जिस आदमी ने मुझे यहां माल की डिलीवरी करने के लिए भेजा है, उसी आदमी ने आपको माल की डिलीवरी लेने की जिम्मेदारी सौंपी हो। सबान को लगाम दे सुअर की औलाद। अगर मैं सुअर की औलाद हूं तो आप कौन है? माफ कीजिए डैडी, लेकिन अब आप और मैं एक ही प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं। सो लेट्स बी फ्रेंड्स एंड वर्क टुगेदर। खबरदार, खबरदार जो तुम्हें ऐसी अहमकाना बातें मुझसे की, आज के बाद ड्रग्स से तेरा कोई ताल्लुक नहीं। इट्स टू लेट डैडी, बहुत देर हो चुकी है। और फिर ये धंधा छोड़कर अपना नुकसान क्यों करें हम? इस धंधे में कितना मुनाफा ये आप भी जानते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू मेकिंग मोर एंड मोर मनी, राइट? मुंबई चलकर सेलिब्रेट करेंगे। सी यू डैडी, बाय। अहमदाबाद में 2 दिन हमें और बिताने हैं, और इसी दरिया दिल से अगर तू पैसे लुटाता रहा ना तो उस दरबान की तरह हमें भी भीख मांगनी पड़ेगी। यार सैंडी के होते हुए तू फिक्र क्यों करता है? हसन सर ने क्या बोला था? क्या बोला था? एंजॉय योरसेल्फ। तो लेट्स एंजॉय योरसेल्फ। हाँ यार, तो फिर कल का प्रोग्राम क्या है? अपन कमरे में जाके डिसाइड करने। चल। रूम नंबर 666। आपका पार्टनर रूम में है। चलो। Let's go baby. Oh what the hell? रिसेप्शन कमेटी। हाँ हाँ। हाँ। Nice dress. हाँ। Good uniform. Okay. क्या पैसा पानी की तरह बह रहा है तू यार? अबे ये वैसे भी नोट नहीं चलने वाली, समझे? तू भी ठीक है। अरे पर ये लोग है कौन और हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? अबे ये लोग सब स्टाफ मेंबर्स हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। और क्या? स्टाफ मेंबर्स साफ सफाई? ओए साफ सफाई नहीं, ये तो सरासर ड्रामा हो रहा है, ड्रामा। ओए सरदार जी। अरे यार वो तो समझे, पर आई थिंक They won't mad yaar. Oye! Ye! Bolo tum log. Aur yahan kya kar rahe ho? Dikhta nahi kya? Hum kaam kar rahe hain. Wo to dikhta hai, par ye kaun sa style hai kaam karne ka? Oye! Pagal ho gayi ho kya? Chalo chalo, is kamre se bahar niklo. Hame aaram karna hai. Haan. Tum jao. Ye staff ka kamra hai. स्टाफ का नहीं है, ये हमारा कमरा है, रूम नंबर 666। हाँ, 3 छक्के, मैं सैंडी और अविनाश। ये? हाँ, इस कमरे में आराम करते हैं। हाँ, हाँ। ओ पापा जी, सुनाई नहीं देता? चलो चलो। हेलो, मुझे लगता है इन्हें सचमुच सुनाई नहीं देता। इनका मैनेजर जब आएगा ना, तब सब सुनाई देगा इन्हें। इधर ही रुको, हम आते हैं। चल चल चल। मैनेजर? जा रहे जा रहे। चल। हमारे कमरे में स्टाफ के 4 आदमी घुसकर बैठे हैं और वहाँ से निकलने से इनकार करते हैं। यस।
रूम नंबर 666। यस। अरे ये कमरा तो आपके नाम बुक है। बुक है तो वो चार स्टाफ के आदमी हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? हाँ, और बोलते हैं वो उनका कमरा है। देखिए साहब, स्टाफ के लिए ऐसा कोई कमरा इस होटल में है ही नहीं। आपको कोई गलतफहमी हो गई है। अरे इत्मीनान से अपने कमरे में जाके सो जाइए। नाउ नाउ हैव अ नाइस प्लीज 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 नहीं स्लीप स्लीप। अरे उन चार पागलों के साथ आप जाकर सोइए, मैं और सैंडी आपके कमरे में जाकर सोते हैं। हाँ, अगर ये भी मंजूर नहीं तो चलो हमारे साथ और उनको वहां से हकाल दो। हाँ हाँ, चलिए चलिए, अपनी आंखों से देखकर तसल्ली कर लीजिए। चला चला। आइए मैनेजर साहब, आइए अपनी आंखों से देख लीजिए। देखिए देखिए, हम क्या झूठ कह रहे थे? अरे यहाँ आपके साथी के अलावा और कोई है नहीं। कोई है नहीं तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने तो उनको अपनी आंखों से। अरे अविनाश, इम्पॉसिबल यार। ओए बल्लू क्या कर रहे हैं? अरे सैंडी, एनीथिंग रॉन्ग? इस कमरे में हमने स्टाफ के चार मेंबर देखे थे। हाँ, और उनमें से एक सरदार जी भी था। हाँ, वो सब कहाँ गए? अरे कौन स्टाफ के मेंबर, यहाँ तो कोई नहीं है सिवाय मेरे। तुम लोग भी ना डिस्टर्ब करने को आ जाते हो। हाँ, कोई भी नहीं है। किधर चले गए? मैं आपको पहले से कह रहा था कि आपको जरूर कोई बैड अंडरस्टैंडिंग हुई है। बैड अंडरस्टैंडिंग? बैड अंडरस्टैंडिंग नहीं बाबा, मिस अंडरस्टैंडिंग हुई है। यार बल्लू, हाँ? ये तो तेरे से भी बुरा इंग्लिश बोलता है यार। ए, तू यहाँ पे रहने दे, रहने दे। अरे एक तो मेरा टाइम खराब किया और पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। अरे पर मैनेजर साहब, मैंने कुछ नहीं सुनना। मैनेजर साहब चुप। हम चुप। अविनाश, तू तो हमारी बात का यकीन मान। उन स्टाफ के चार मेंबरों को हमने अपनी आंखों से देखा है। हाँ, कमरा भी यही था, रूम नंबर 666। हाँ, वो 666। कुछ समझे तुम लोग? हाँ, कुछ समझे? क्या समझे? नहीं समझे। 666 यानी डेविल्स नंबर। तीन चक्के यानी शैतान का नंबर। शैतान का नंबर? शैतान का नंबर माने क्या? मतलब कि वो मैनेजर तुमसे झूठ बोल रहा था। मैंने भी इसी कमरे में अपनी आंखों से उन चार स्टाफ मेंबर्स को देखा। पल भर के लिए नजर आते हैं और फिर गायब। गायब? गायब हो गए? कहाँ गायब हो गए? आत्माओं को कौन रोक पाया है? सैंडी, ये क्या फेंकते रहे? हाँ, किसको डराता है तू? बिलीव मी सैंडी, बिलीव मी। इसी होटल के एक वेटर ने मुझे बताया। क्या बताया? कि इस कमरे में चार वेटर्स ने सुसाइड किया था। सुसाइड यानी साइड में सु? वो सुसाइड नहीं। तो फिर सुसाइड यानी आत्महत्या। आत्महत्या? हाँ, तभी से इस कमरे में उनकी आत्माएं भटकती रहती है। ए, अभी ये क्या फेंकता है तू? किसको लपेटने को देखता है? ये कहानी तुझे किसने सुनाई? हाँ, उसी वेटर की भटकती हुई आत्मा ने। देखो सैंडी बल्लू, तुम लोगों को मुझ पे विश्वास रखना है तो रखो, वरना मत रखो। देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मुझे जम के नींद आ रही है। मैं सोने जा रहा हूँ। अभी सो मत, अभी गई। अकेला मत छोड़ो। अभी अभी उठ सैंडी। हाँ,
गुड नाइट। बल्लू यार मेरी तो नींद ही उड़ गई, अब क्या करे। रात भर बैठ के पहरा देते हैं, कहीं रात में वो चार भटकती हुई आत्माएं आ गई तो। शुभ शुभ बोल बल्लू। जंतु जलांतु, हाय भला को टाल तू। ए जंतु जलांतु, हाय भला को टाल तू। ए जंतु जलांतु, हाय भला को टाल तू। जंतु जलांतु। ओ मेरा बड़ा करारा पूदना, ओ मेरे दिल दी कहिंदा पूदना। गुरुवचन जी, हाँ जी, थोड़ा वॉल्यूम कम करेंगे। ओ जी आप ही कम कर लीजिए। सुन भाई, ओ ने जी मैं देखता हूँ। हेलो, कॉल फॉर मिस्टर हसन अली फ्रॉम बॉम्बे। हाँ जी हसन अली जी यही है। हसन भाई फोन आपका जी। हेलो हेलो हसन, हाय माय लव, कैसे हो? ओ हाय, कहो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कैसे फोन किया? बस ऐसे ही, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी तो सोचा तुम्हारी आवाज ही सुन लूं। थैंक यू रश्मि। और कहो। ओ हसन भाई, ये वही कुड़ी है ना जो बस स्टार्ट होने से पहले टाटा बाय बाय कर रही थी? हाँ नहीं, मैच तो कल है, आज सिर्फ नेट प्रैक्टिस कर रहे हम लोग। हसन अगली बार ना मैं भी तुम्हारे साथ चलूं एज अ स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, बी माय गेस्ट। कैसे सवाल आप करती हो, मेरे बारे में पूछ रही है ना? नहीं जी, क्या टेंशन है, आप उधर बात तो कर लो। ओ जी मामला दिल से दिल की रात का है जी। हसन भाई आपकी दोस्त है तो हमारी भी दोस्त, हम भी नमस्ते कर लेते हैं, आप तो समझते ही नहीं है। बात क्या है, ये बात है। हाँ जी लीजिए। ओ कमाल है जी, आप तो जरा सी बात में नाराज हो गए। हमने तो सिर्फ ये कहा था जी फोन पर बात करनी, मशूका आपकी है, हम कैसे बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लाइए बात कर ही लेते हैं। हाँ जी हेलो जी, हेलो जी, आई एम गुरबचन सिंह जी, आई एम एस पटियाला। हेलो जी, हेलो जी। ओ जी बल्ले बल्ले कट गया जी। हेलो हेलो रश्मि। ओ क्या हो गया, कट गया जी? मैंने कहा जी चेहरे की उदासी से ही लग रहा है कट गया। लेकिन हसन भाई फिर भी आपकी तो लाइन डायरेक्ट मिल जाती है, हमारी तो लाइन ही नहीं मिलती। हसन भाई मैंने कहा जी राज क्या है, हमें भी थोड़े बहुत टिप्स दे दीजिए। ओहो राज वास कुछ नहीं है गुरबचन जी, माजरा ये है कि आपने बात का भतंगड़ बना दिया है। कैसे जी? आपकी बातों से मुझे खुद ऐसा महसूस होता है जैसे मैं कोई बड़ा प्लेबॉय या कैसोनोवा हूं। ओए हसन भाई आपके सोफिस्टिकेटेड व्यक्तित्व के लिए यही नाम ठीक है, ओए हमारे जैसे जट और देसी बंदे के लिए तो जी मजनू ते रांझा ते मिर्जा ते साहिबा ते आए आए ते ओए। हसन भाई अपने कॉलेज के एक दो चार किस्से सुनाऊं आपको? वो फिर कभी सुनो। मैं समझ गया जी, मैं समझ गया सुन भाई आपकी बात। आप अपनी मैडम कैसेनोवा के ख्यालों में खो जाना चाहते हैं, एकदम लुप्त हो जाना चाहते हैं उनमें। हो जाओ जी लुप्त, हमारा क्या है जी, हमारा किस्सा तो कल हो जाएगा, दोस्त हैं आप। गुरबचन जी, हां जी, आपकी हर बात सुनने के लिए मैं तैयार हूं। मैं समझ गया जी, मुंह ते गिट्ठे गिट्ठे लालियां। बाथरूम के लिए जलबूझ क्यों रही है? लगता है बाथरूम में कोई है। कौन हो सकता है? वही चार भटकती हुई आत्माएं तो नहीं? आत्माएं? चल चल कर देखते हैं। चलो जंतु जलांतु, हाय भला को टाल तू। जंतु जलांतु, हाय भला को टाल तू। जंतु जलांतु, है कौन है, कौन है? भागी? क्या हुआ?
क्या बोल रहे थे? हम लोग तो टीम में सिलेक्ट नहीं हुए हैं, तो फिर ये हम लोग भागदौड़ क्यों कर रहे हैं? मेरे को क्या मालूम यार। यार थोड़ा सा सो लेते हैं यार। मैं भी वही बोलने वाला था। बालू सैंडी, अप 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 कमरे में भूत थे यार, पर तू तो वहाँ पे मस्त पड़ा सो रहा था। मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था, पर तुम लोगों ने मेरा यकीन नहीं किया। मेरी गलती नहीं है उसमें। पर अविनाश, तू उस कमरे में था लेकिन तूने कुछ नहीं देखा, तुझे कुछ नहीं हुआ? अल्लू, इत्तेफाक से वो मेरे दोस्त निकले, वो लोग मुझे कुछ नहीं करेंगे, पर तुम लोग बच के रहना भूतों से। हाँ मुझे तो सब बेटर वैसे ही लग रहे जैसे कल कमरे में थे। हाँ यार, यूनिफॉर्म तो बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन ये वो वेटर नहीं लगता यार। श्योर? हाँ, तो वैसे ही शक करता है। खा यार। देखा, ये वो नहीं था। तो हो जाओ शुरू। क्या? रुको। क्यों? बात क्या है? खाने में नमक की जगह पोटेशियम साइनाइड गिर गया है। पोटेशियम साइनाइड, यानी कि पॉइजन। हम इसे बदल कर अभी लाते हैं। मुझे तो ये वही वेटर लग रहे हैं जिन्हें हमने रात को अपने कमरे में देखा था। शक्लें भी कुछ जानी पहचानी सी लग रही है मुझे, यानी कि ये भूत हो सकता है। भगवान, तुम मेरी बात सुनो। तुमने इन्हें आज देखा कि नहीं? कल भी देखा था कि नहीं? तो नेचुरली शक्लें जानी पहचाने लगेगी। क्यों बल्लो? यही तो मैं इसको समझा रहा हूँ। बार बार देखने से आदमी जाना पहचाना तो लग। तू चल मेरे साथ। किधर? एक बार फिर भूत के दर्शन कराता हूँ तुझे। भूत के? नहीं। अबे तू डरता क्यों है? मैं हूँ ना। अरे इसी बात का तो डर है। तू चल। सब आया समझ में। और चलकर हसन अली सर को समझाते हैं। हाँ गणेश भाई आ गए भटनागर साहब। गणेश भाई कहिए, कोई अर्जेंट काम आ गया क्या? लेकिन गणेश भाई पहले पिछले काम का मुआवजा तो दे दीजिए। माल वसूलने के लिए बहुत उतावले रहते हो कमिश्नर, ये भी नहीं जानना चाहते पिछला काम सही हुआ या नहीं। क्यों, उसमें कोई कमी रह गई क्या? आपने जिसे माल पहुंचाने के लिए कहा था, मैं तो खुद अपने हाथों से उसे माल देकर आया। हाथों से दे के आया, बीच में हाथ की सफाई दिखा गया। क्या कह रहे हैं आप? वही जो हुआ, जो माल आप वहां पहुंचा के आए हैं उसमें हेरोइन का एक पैकेट नकली था। नामुमकिन, ये हो ही नहीं सकता। नामुमकिन तो क्या हम झूठ बोल रहा हूँ या पार्टी झूठ बोल रही है जिसने खबर हम तक पहुंचाई? गणेश भाई तो क्या मुझ पर शक कर रहे हैं? अरे हम सिर्फ आप पर शक नहीं कर रहा हूँ, हम कौन सब पे शक है जिन्हें माल पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वो चार लड़के जो माल अहमदाबाद तक लेके गए, आपका बेटा रवि जिसने माल की डिलीवरी आपको दी, और आप जिसने माल मंजिल तक पहुंचाया। और आपका ये खास आदमी, ये जिसने ड्रग्स उनके हवाले की, ये क्या पूरे भरोसे का? क्या ये माल हजम नहीं कर सकता? हमें बीजो मत घसीटिए। गणेश भाई हमें तो ये बाप बेटे की मिली भगत लगती है, इन दोनों ने मिलकर माल हजम किया है। चुप कर बे,
कितना दूध का धुला मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अरे बता, वो लौंडे बंबई कब आ रहे हैं? कल दोपहर को आते उनकी चर्ती लेना। किसी ने बदमाशी की होगी तो उसकी खबर ली जाएगी, फिर चाहे वो इनके जिगर का टुकड़े क्यों ना हो।